हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रमात किचन एंड रेसिपीज। आज हम बनाने वाले हैं बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा व्हाइट सॉस पास्ता। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट मेजरमेंट के साथ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगी। व्हाइट सॉस पास्ता के लिए मैंने लिया है पास्ता, चॉप्ड गार्लिक, अनियन, ग्रीन कैप्सिकम, रेड कैप्सिकम, कैरेट, कॉर्न, चीज, बटर, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, ऑर्गेनो, मिक्स हर्ब्स, चिली फ्लेक्स, मैदा, ऑलिव ऑयल एंड मिल्क। ध्यान रखिए, पास्ता के लिए ओनली ऑलिव ऑयल ही लेना है। सबसे पहले पास्ता को बॉईल करने के लिए एक बर्तन में पानी को गर्म करेंगे। पानी में उबाल आने के बाद हम एक चम्मच नमक ऐड करेंगे और एक चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल डालने से पास्ता चिपकेंगे नहीं। मैंने व्हाइट सॉस पास्ता बनाने के लिए 100 ग्राम पास्ता लिए हैं। पास्ता को 7 से 8 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर बॉईल होने देंगे। सेवन टू एट मिनट्स के लिए मैंने पास्ता को बॉईल किया है। पास्ता बॉईल हो चुके हैं, अब इनको पानी से निकाल लेंगे। पानी से निकालने के बाद अब इसमें 2 चम्मच ऑयल डाल देंगे। अब हम व्हाइट सॉस बनाएंगे, उसके लिए मैंने एक पैन गरम किया है। लो फ्लेम पर पैन को गरम होने देंगे, फिर इसमें बटर डालेंगे। बटर मेल्ट होने के बाद इसमें मैदा डाल देंगे। इंग्रेडिएंट्स के मेजरमेंट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैदा डालने के बाद इसको लो फ्लेम पर 2 मिनट के लिए लगातार चलाते रहेंगे। 2 मिनट के बाद इसका कलर चेंज होने लग जाएगा। मैदा को 2 मिनट भूनने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे। दूध एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। थोड़ा थोड़ा करके दूध डालने के साथ साथ इसको चलाते रहना। थोड़ा थोड़ा करके मैंने सारा दूध इसमें ऐड कर दिया है। अब इसको 5 to 6 मिनट्स के लिए कुक होने देंगे। फाइव टू सिक्स मिनट्स के लिए व्हाइट सॉस कुक हो गया है। अब इसमें नमक ऐड करेंगे, ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे एंड चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। अब व्हाइट सॉस बनके तैयार है। गैस पर एक कढ़ाई चढ़ाई है मैंने। कढ़ाई को गर्म होने के बाद इसमें 2 चम्मच ऑलिव ऑयल ऐड करेंगे। तेल को गर्म होने के बाद गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे। तेल गर्म होने के बाद इसमें चॉप्ड गार्लिक और अनियन ऐड करेंगे। अब इनको आधा मिनट के लिए कुक होने देंगे। अब गाजर और नमक ऐड करेंगे और गाजर को 1 से 1.5 मिनट के लिए पकने देंगे। गाजर को 1-1.5 मिनट पकने के बाद इसमें रेड कैप्सिकम, ग्रीन कैप्सिकम और कॉर्न ऐड करेंगे। सारे वेजिटेबल्स ऐड होने के बाद इनको 1 से 2 मिनट के लिए पकने देंगे। सब्जियों को ज़्यादा नहीं पकाना है।
सारी सब्जियों के अच्छे से पकने के बाद अब इसमें व्हाइट सॉस ऐड करेंगे। गैस की फ्लेम को लो ही रखें। अब एक मिनट पकने के बाद इसमें पास्ता ऐड करेंगे। पास्ता डालने के बाद अब इसमें चिली फ्लेक्स, ऑर्गेनो, मिक्स हर्ब्स एंड ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। इन सबको एक साथ मिक्स करने के बाद अब इसमें ग्रेट की हुई चीज मिक्स करेंगे। चीज डालने के बाद इसको आधा मिनट के लिए और कुक होने दें। अब आपके व्हाइट सॉस पास्ता बनके तैयार है, इनको प्लेट में निकाल लेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।